अगर आपको पता चले प्रशांत साहब, दिल्ली में रेड्डी ब्रदर्स का जिक्र होता है तो लोगों को कई पुरानी कहानियां याद सी आ जाती हैं। अभी उनका राजनीतिक रसूख कितना है और क्या वजह रही कि उन्हें अपने रास्ते अलग करने पड़े? क्या दिल्ली में अब उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है? देखो सौरभ जी, जनार्दन रेड्डी इज अ स्पेंट फोर्स इन कर्नाटका। जनार्दन रेड्डी 2006 से 2011 तक एक रिपब्लिक ऑफ बल्लारी, आप किस नाम से भी बुला लो, लेकिन जनार्दन रेड्डी एक ऐसे पावरफुल, क्योंकि उनके पास पैसा था, पावर था, माइनिंग से माइनिंग के कारण एक लगातार एक जो रिसोर्स बढ़ते जा रहे थे, इसके कारण जनार्दन रेड्डी कर्नाटक के राजनीति में पावरफुल रहे। वाइस राजशेखर रेड्डी के करीबी होने का फायदा भी उनको मिला और भारतीय जनता पार्टी में भी उस दौर में येडियुरप्पा के खिलाफ एक एंटी पार्टी एक्टिविटीज रहा, उसकी अगुवाई जनार्दन रेड्डी करते थे। लेकिन 2011 में जेल में जाने के बाद, जो लगभग 5 साल तक जनार्दन रेड्डी जेल में रहे, बाहर आने के बाद मुझे लगता है ऐसा कोई एक पॉलिटिकल फोर्स जनार्दन रेड्डी में बचा है ऐसा कहा नहीं जा सकता। और बीजेपी जनार्दन रेड्डी को अब एक असेट के रूप में नहीं देखती है, जनार्दन रेड्डी अब एक लायबिलिटी बन चुके हैं बीजेपी को, क्योंकि अगर कोई एक क्षेत्र में जनार्दन रेड्डी को टिकट भी दे या जनार्दन रेड्डी को बीजेपी में लिया जाए, नेचुरली नेशनल मीडिया उसको पिकअप करेगी, जनार्दन रेड्डी बीजेपी में आ गए हैं, शामिल हो गए, एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि एक भ्रष्टाचार के एक फेस के तौर पर जनार्दन रेड्डी प्रोजेक्टेड थे। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनार्दन रेड्डी से हाथ मिलाया जाए। देखो 2013 में जब जनार्दन रेड्डी जेल में थे, उनके मित्र श्रीरामुलु, जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पे खासा असर रखते हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी बीएसआर कांग्रेस, उन्होंने 3% वोट लिया था और 4 विधायक भी बीएसआर कांग्रेस से जीत के आए थे। कर्नाटक में 2013 में जो बीजेपी की हार हुई, येडियुरप्पा के साथ साथ श्रीरामुलु भी उसका कारण थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि जनार्दन रेड्डी जी के साथ श्रीरामुलु भी नहीं जाना चाहते। जनार्दन रेड्डी चाहते हैं कि मेरा भी कोई पॉलिटिकल स्टेक्स हो, मुझे भी कुछ टिकट मिले, अगर मुझे नहीं मिलता है तो उनकी पत्नी जो अरुणा है उनको टिकट मिले। लेकिन बीजेपी अब नहीं चाहेगी, क्योंकि मोदी जी का एक जो चरिश्मा है, मोदी जी का एक साफ सुथरा एक छवि है, जनार्दन रेड्डी जैसे ही अंदर आएंगे उसको एक ठेस पहुंच सकती है, ऐसा मुझे लगता है। खुद जनार्दन रेड्डी ने पिछले रविवार को जब उन्होंने एक नया पार्टी का घोषणा किया है, कल्याण कर्नाटका पार्टी करके, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी मुझे मिलने के लिए टाइम नहीं दिए। 15 दिन पहले श्रीरामुलु को जनार्दन रेड्डी ने दिल्ली भेजा था, श्रीरामुलु जाके सेंट्रल हॉल में भी बैठे रहे कि अमित शाह जी मिले और कैसे भी करके जनार्दन रेड्डी को मनाया जाए, पार्टी में रखा जाए। लेकिन बीजेपी हाईकमांड नहीं चाहती कि जनार्दन रेड्डी के साथ कोई समझौता हो, इसलिए मुझे लगता है जनार्दन रेड्डी ने एक अलग पार्टी बना ली। लेकिन गौरतलब इसमें है सौरभ जी कि जनार्दन रेड्डी अगर कैंडिडेट्स उतारते हैं तो कौन से कैंडिडेट्स उतार, ये तो नहीं होगा कि ये बीजेपी की बी टीम है, हैदराबाद कर्नाटक में मुस्लिम और रेड्डी लिंगायत को टिकट दे के कांग्रेस की टिकट काटने की कोशिश हो रहे, यू डोंट नो, क्योंकि जनार्दन रेड्डी जाने जाते हैं, वो कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए जनार्दन रेड्डी एक्चुअली क्या चाहते हैं मुझे लगता है, देखो बीजेपी हाईकमांड तो उनको पार्टी में लेने से इनकार कर चुकी है, जनार्दन रेड्डी नाराज थे लेकिन उन्होंने एक पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। जनार्दन रेड्डी का भाई सोमशेखर रेड्डी उस पार्टी में नहीं जा रहे, करुणाकर रेड्डी उस पार्टी में नहीं जा रहे, जनार्दन रेड्डी का जो प्रिय मित्र है, सख है श्रीरामुलु, वो उस पार्टी में नहीं जा रहे। अकेले जनार्दन रेड्डी करेंगे क्या? क्या वो कांग्रेस को हराने की कोशिश करेंगे या 2-3 सीट लेके किंग मेकर बनने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
जनार्दन रेड्डी के नाम पे कर्नाटक में वोट नहीं आएंगे। वो अगर जो कुछ सीटों पे सेंध मारने की कोशिश करते हैं वो जिता नहीं सकते, लेकिन किसी के हराने में जरूर मदद कर सकते हैं।